चित्रगुप्त जी, ये रही ब्रह्मदेव की लिखी हुई भविष्यवाणी जी। इसमें सारे मनुष्यों का जीवन, मरण और भविष्य भी लिखा हुआ है। आप अपने बही खाते में हर मनुष्य की मृत्यु का समय उतार कर इस भविष्यवाणी को ब्रह्मलोक में तुरंत भेज दीजिए। ये ब्रह्मदेव का आदेश है। जो आपके चित्रगुप्त, 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 चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, ब्रह्मलोक से भविष्यवाणी आ गई। लगी यमराज प्रभु से कह दो कि भविष्यवाणी मेरे हाथ से छूटकर गिर गई तो ये वेद से मेरी पिटाई करेंगे। चित्रगुप्त, हम तुमसे पूछ रहे हैं, भविष्यवाणी तुम तक पहुंची अथवा नहीं? अभी तक नहीं पहुंची प्रभु, कारण पता नहीं क्यों नहीं पहुंची। ये बार बार तुम उस दिशा में क्या देख रहे हो? अपना भविष्य देख रहा हूं प्रभु। अरे अरे सूरज, सूरज, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ सूरज? मकुम, मकुम, क्या है? अरे क्या हुआ, बोलो क्या हुआ? वो देखो, वो देखो, वो किताब, 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 वो देखो, बाय किताब, वो वो। ये! भविष्यवाणी धनलक्ष्मी कंपनी की AR234234 नंबर की लॉटरी को 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ये क्या रे? क्या परसों खुलने वाली लॉटरी टिकट का नंबर इसमें लिखा है? इसमें लिखा है, जरा देखो तो सही। कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। ए, इसमें लॉटरी का नंबर कहाँ है? नहीं है, नहीं है। है ना यार? हाँ। देख, कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। मेरी क्या खोपड़ी? आया, 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 ये, 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 क्या? इसमें जो लिखा है वही हुआ। तुझे लॉटरी का नंबर नहीं दिखा? नहीं। इसका मतलब इसमें लिखा हुआ लॉटरी का नंबर लग सकता है। अगर मेरी खोपड़ी फूट सकती है तो तेरी लॉटरी भी लग सकती है। अक्कू मक्कू लॉटरी। नौजात शिशुओं की तरह मुंह लटकाए क्या खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? यदि ब्रह्मदेव को भनक पड़ गई कि भविष्यवाणी खो चुकी है तो क्या गति बनेगी? दुर्गति हो जाएगी प्रभु। धूम तथा, धूम तथा। हम निर्दोष हैं ब्रह्मदेव, सारा दोष चित्रगुप्त का है, हमारा कोई दोष नहीं। फिर भी दंड तुम दोनों को मिलेगा यदि भूलोक से 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना आई तो तुम दोनों का यमलोक में प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यदि 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना मिली तो तुम दोनों को अपनी देव शक्ति खोकर सदा के लिए भूलोक में रहना होगा। 30 दिनों की क्या आवश्यकता है प्रभु, हम अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत ही भविष्यवाणी की खोज लगा लेते हैं। इस भ्रम में ना रहना यमराज, जिस पल भविष्यवाणी खोई उसी पल तुम्हारी दिव्य दृष्टि छीन ली गई। अब तुम्हें भूलोक में जाकर भविष्यवाणी को खोज कर लाना होगा, यही तुम्हारा दंड है। हे ब्रह्मदेव, यदि भविष्यवाणी मानव के हाथ लग गई तो उसे तो सबका भविष्य पता चल जाएगा, इससे तो बड़ा उपद्रव मच जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। यदि मानव भविष्यवाणी में देख भी लेगा तो वो केवल अपने ही भविष्य के बारे में जान पाएगा, किसी दूसरे के भविष्य के बारे में नहीं जान पाएगा। तो फिर हमारे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तुरंत भूलोक की ओर प्रस्थान करो।
तो प्रभु बोरिया बिस्तर लपेट लिया जाए। प्रभु हमें दंड मिला तो मिला, परंतु तीन युगों के बाद छुट्टी भी तो मिली। यम है हम आ गया बंबई नगरम। प्रभु ये लोहे के तार कैसे? अच्छा अच्छा समझ गया, मानव ने अपने लिए झूला झूलने का प्रबंध भी कर रखा है। प्रभु मेरे मन में भी झूला झूलने की तीव्र इच्छा हो रही है। अच्छा हाँ। तो जाओ अपनी तीव्र इच्छा पूरी कर लो। धन्यवाद प्रभु। चित्रगुप्त चित्रगुप्त चित्रगुप्त, कैसा लगा झूला? जैसे नरक का बड़ा चूल्हा। अब अगर भूलोक में हो जीना तो किसी चीज को मत छूना। प्रभु चलिए भविष्यवाणी है ढूंढना। सूरज 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 मार दिया मार दिया मार दिया, जो किताब में लिखा था वही हुआ, हमें 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। क्या अक्कू मक्कू, चल तो। आज जैकपॉट रेस में 3, 5, 8, 2, 4 नंबर के घोड़े घोड़े कुम्बकुम रेस जीतेंगे तो खेलेंगे खेलेंगे। चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। कुम्बकुम देख हमने जैकपॉट भी मार लिया। तो क्या पैलेस खरीदने की रकम जमा हो गई? अरे यार उससे भी ज्यादा हो गई। क्या बात कर रहा है, अरे तू तो करोड़पति बन गया यार। ए अब तेरे से लिली प्यार करेगी? अरे यार लिली क्या, उसका बाप भी कुम्बकुम करेगा। हेलो पुलिस स्टेशन, ए हटो सामने से। यहाँ खड़े होकर उस लड़की को क्यों छेड़ रहे हो? शिव शिव शिव, हम लड़की को छेड़ रहे हैं? हाँ तो यहाँ खड़े होकर आंखें फाड़ फाड़ कर उस लड़की की तरफ क्यों देख रहे हो? हम लड़की को नहीं देख रहे। तो फिर क्या देख रहे हो? हम वो देख रहे हैं गोबर के उपले। हाँ इन्हें देखने में क्या रखा है? इन्हें देखकर आपको कोई शंका नहीं हो रही? किस बात की शंका भाई? नहीं कोई शंका नहीं हो रही। अरे कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ी सी इतनी सी भी शंका नहीं हो रही। अच्छा तुम बताओ तुमको किस बात की शंका हो रही है? हमारी शंका ये है कि गाय ने दीवार पर चढ़कर गोबर किया कैसे? किस तरह का करैक्टर है मुन्ना, जरा इधर आना। तुम्हारा गांव कौन सा है? यमपुरी। यमपुरी जिला कौन सा है? नहीं वहां जिला वाला कुछ नहीं होता। जिला नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताओ कि ये हुलिया क्या बना रखा है? ये हमारे गांव का लेटेस्ट फैशन। लेटेस्ट फैशन फैशन। अच्छा अच्छा ये तुम्हारे गांव जाने के लिए कौन सी बस में चढ़कर जाना पड़ता है? हमारे गांव जाने के लिए बस में चढ़कर नहीं जाते, बस के नीचे गिर कर जाते। बस के नीचे नीचे गिरे सो जाते हैं।
बड़ा अजीब आदमी है ये, मुझे समझता क्या है? क्या आप शहर के नागरिक देखेंगे तो क्या समझेंगे? ओके तुम मुझे समझता क्या बे? बे? हाँ बे, आपने मुझे बे कहा? नीच अधर्मी, तेरे सर के हजार टुकड़े हों। सर के हजार टुकड़े हों? इम्पॉसिबल। शट अप।